इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। आगरा में शहीद के परिवार के साथ डिप्टी सीएम ने जिस तरह का व्यवहार किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें, सरकार से जब कौशलेंद्र रावत की पत्नी ने जमीन की मांग की तो डिप्टी सीएम ने जो कहा वो अपने आप में शहीद का अपमान है। बीते दो दिनों से शहीद की पत्नी धरने पर बैठी हुई है और जब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शहीद की पत्नी से फोन पर बात की और शहीद की परिजनों ने करही में जमीन की मांग की तो डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिजनों की मांग सुनकर कहा कि आपके गांव में जमीन बहुत कीमती है, इसलिए कहीं और जमीन चाहिए तो बताइए। जिसके बाद शहीद के परिजन नाराज हो गए और परिजनों का कहना है कि डिप्टी सीएम ने शहीद की शहादत का अपमान किया है। दूसरी ओर शहीद के बेटे ने कहा कि ये शहीद की शहादत के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पहले तो मेरा जमीन का करवाओ, मेरे सात बानियों को सबको जमीन मिली है, एटा में, उन्नाव में, कन्नौज में, कानपुर में, सबको जमीन मिली है। जमीन मेरे सात बानियों को सबको मिली है जीवन यापन करने के लिए। सर मैं सबके सर मैं सर किस चीज का संतुष्ट है? वो वैल्यूएशन लगा रहे हैं, एक शहीद की वैल्यू एक लैंड से तोल रहे हैं, उसको लैंड से मेजर कर रहे हैं। माताजी मेरी उनसे बोली है कि सर हमारे को और शहीदों की तरह, जो हमारे यूपी के 12 शहीद थे, 11 शहीद, उनकी तरह हमें इक्वालिटी दीजिए। तो वो बोल रहे हैं आगरा जनपद के अंदर जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी नज़रों के अंदर जमीन की वैल्यू ज़्यादा है, एक शहीद की वैल्यू से ज़्यादा। अपने पैतृक स्थान पे जगह मांगी थी हमने यूँ बोला, पूरे जनपद में कहीं भी यूँ नहीं बोला कि हमें पैतृक स्थान पे दीजिए। जनपद सर बहुत बड़े, आगरा जनपद बहुत बड़ा एरिया है, छोटी मोटी चीज़ लखनऊ के बाद लखनऊ नंबर वन यूपी में आई थिंक आता है। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, डिप्टी सीएम का ये बयान काफ़ी शर्मनाक है और ऐसे में शहीद की जो पत्नी है उसका क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या बयान आया है और उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से इसे शहीद का जो ये बयान, जो जैसे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी का जो ये बयान आया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं बता दूं आपको, दो दिन से ये जो शहीद की वीरांगना है जो धरना स्थल पर बैठी हुई है अपने शहीद की प्रतिमा पर, और दो दिवसीय दौरे पर कल से डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होने के नाते दो दिन के दौरे पर आगरा में ही मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक आने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। वहीं हमको इनके एक कार्यक्रम की पता लगा जब प्राइम टीवी की टीम वहाँ उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची जो शहीद की प्रतिमा पर, जो शहीद की वीरांगना जो बैठी है वहां से महज 300 मीटर दूरी पर था, और वो कार्यक्रम केवल इनका रात्रि भोज का था। नवनिर्वाचित मंजू भदौरिया जो जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा बनी है उनके रात्रि भोज का कार्यक्रम था। वहां तक ये डिप्टी सीएम आए और वहां हमारी प्राइम टीवी द्वारा उनसे ये पूछा भी गया, सवाल भी किया गया कि यहां से थोड़ी सी दूरी पर एक शहीद की वीरांगना कुछ मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठी हुई है, आप वहां जाएंगे या नहीं। तो इनका सीधा साफ तौर से कहना था, अज्ञानता वाला एक जवाब देना था कि मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है वो क्यों बैठी हैं, और उसके बावजूद भी मिलने की बात पर इन्होंने ये बोला मैं उनसे फोन से बात कर लूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना संवेदनहीन इनका जवाब था कि 300 मीटर की दूरी पर आप रात्रि भोज करने के लिए आ सकते हैं और शहीद की जो वीरांगना धरने पर बैठी कुछ माओं को लेकर उसके पास जाने तक आपके पास समय नहीं है, फोन से आप बात कर लेंगे। उसके बाद में जब आज जब लगातार यहाँ पर विपक्षी दलों के जो नेता थे उनका आना जाना शुरू हो गया था, उसके बाद जब पता लगता है सत्ताधारी नेताओं को तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो आती हैं और शहीद की वीरांगना से डिप्टी सीएम साहब की बात कराती हैं। जो डिप्टी सीएम साहब उनसे साफ शब्दों में कहते हैं कि आप जहाँ जगह मांग रहे हैं, जो आपके पैतृक गाँव में कह रहे हैं, वहां पर जो जगह की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ा ही संवेदनहीन इनका जवाब था, जिस तरीके से कि एक शहीद की शहादत को इन्होंने एक जमीन की कीमत से आंक दिया। जी जो विपक्षी दल हैं उनमें से कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो अभी तक शहीद की पत्नी से संपर्क करने आए?
जी विपक्षी दलों में मैं बता दूं आपको, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे आपका जो मतलब केंद्रीय पार्टी हो, सपा के यहाँ नेता जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन है, सभी लोग यहाँ कल से और आज तक लगातार मुलाकात करते आ रहे हैं और हर संभव मदद का वो उन्हें आश्वासन भी देते जा रहे हैं। उसके बाद ही जब इनकी नींद खुली है तब आज इन्होंने अपने एक विधायक को वहां भेजा और विधायक के द्वारा ही अपने दूरभाष पर उनसे फोन से बात कराई और बात में भी वो जवाब इस तरीके का दिया जो एक शहीद की बात नहीं, सारे शहीदों के लिए जिन लोगों ने अपने देश को शहादत दी है, जिन शहीदों ने, उनके लिए बड़ा अपमानजनक जवाब था। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।